हेलो एंड वेलकम एवरीवन, माय सेल्फ भाग्यश्री। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर टॉपिक दैट इज इलस्ट्रेशंस ऑफ सीएमए फाइनल पेपर नंबर 19 स्टडी नोट नंबर 5 दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इलस्ट्रेशंस। सो इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व इलस्ट्रेशन नंबर 6। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स पर्टेनिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ यार्न आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ बरहमपुर टेक्सटाइल लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। तो हम लोग को जो डेटा है वो दिया हुआ है, उसके बाद क्या पूछा है। सी, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्शन फॉर द पर्पज ऑफ कैप्टिव कंजम्पशन इन द टर्म्स ऑफ रूल 30 ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स रूल 2017 एज पर द कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दैट इज रिवाइज द असेसेबल वैल्यू फॉर द पर्पज ऑफ पेइंग GST ऑन एप्लीकेबल ट्रांजेक्शन। ओके, इन शॉर्ट हम लोग को दो चीज़ें फाइंड आउट करना है। दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू द GST के रूल्स है उसके हिसाब से। उसके बाद असेसेबल वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, फॉर द पेइंग GST, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड दिस असेसेबल वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये प्रोविजन चेक करेंगे कि हम लोग को असेसेबल वैल्यू के लिए कितना परसेंट फाइंड आउट करना पड़ता है। According to the rule 30 of the Central Goods and Service Tax Rules 2017, the assessable value of a goods used for captive consumption. Captive consumption यानी कि जो अपना खुद का जो production होता है उसके लिए हम लोग जो use करते हैं उसको हम लोग captive consumption बोलते हैं। मतलब वो दूसरे को sell नहीं किया जाता, अपने ही production के लिए या फिर अपने use के लिए वो जो गुड्स यूज़ किए जाते हैं उसको captive consumption यानी कि जो internally use किया जाता है उसको captive consumption बोलते हैं is 110%। ओके, तो अगर हम लोग ने ऐसे कैप्टिव कंजम्पशन किया है तो उसका असेसेबल वैल्यू 110% किया जाता है अकॉर्डिंग टू द GST रूल्स 2017 ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फाइंड आउट करके उसके ऊपर हम लोग ने 110% फाइंड आउट किया तो हम लोग को जो भी असेसेबल वैल्यू है वो मिल जाता है कैप्टिव कंजम्पशन का। ओके, ऑफ सच अ गुड्स द मैनर ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर कैप्टिव कंजम्पशन इज लेड डाउन इन द कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ओके, जो मेथड से हम लोग को ये फाइंड आउट करना है वो मेथड हम लोग को कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में दिया गया है। तो हम लोग को ये जो क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को क्या है ना, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 उसके हिसाब से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो फाइंड आउट करना है। उसको ऊपर 110% फाइंड आउट किया तो हम लोग का असेसेबल वैल्यू आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है वो आ सकता है एग्ज़ाम में, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन 3-4 ऐसे कुछ क्वेश्चन हम लोग को स्टडी मटेरियल में दिया है तो इसमें से एक आध क्वेश्चन आ सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट मटेरियल जो जो हम लोग को दिया है उसका हम लोग इधर अमाउंट फिल करेंगे। डायरेक्ट मटेरियल इट इज़ 2560। ओके, सो डायरेक्ट मटेरियल 2560। उसके बाद है डायरेक्ट वेजेस एंड सैलरीज। डायरेक्ट वेजेस एंड सैलरीज 1540। देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस दैट इज 450। सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस 450। देन नेक्स्ट है हम लोग का इनडायरेक्ट मटेरियल्स दैट इज 533। ओके, सो इनडायरेक्ट मटेरियल्स 533। देन फैक्ट्री ओवरहेड्स 897। सी, जो उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दैट इज़ 40% ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। जो टोटल हम लोग को दिया है उसका सिर्फ 40% प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए यूज़ किया जाता है। जो भी प्रोडक्शन रिलेटेड है मतलब जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वही हम लोग को इधर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में यूज़ करना होता है। कुछ भी अगर प्रोडक्शन के रिलेटेड नहीं है तो हम लोग नहीं यूज़ करते। सो प्रोडक्शन एक्टिविटी के रिलेटेड ओनली 40% है दैट इज़ 1250 के 40%। सो इसका हम लोग 40% फाइंड आउट करेंगे। 1250 × 40% 500 हम लोग का अमाउंट आ जाएगा। इधर तक हम लोग का कंप्लीट हो गया है। अभी नेक्स्ट है क्वालिटी कंट्रोल दैट इज़ 565। उसके बाद है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, वो भी प्रोडक्शन के लिए ही किया जाता है दैट इज़ 600। सो 600 हम लोग का आ गया। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल। अभी इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल इज़ नॉट रिलेटेड टू योर प्रोडक्शन सो हम लोग वो नहीं ले सकते। ओनली प्रोडक्शन के रिलेटेड जितना होता है उतना ही लेना होता है।
तो उसके लिए हम लोग नोट लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल इज़ नॉट चार्जेबल टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बिकॉज इट इज़ नॉट रिलेटेड टू योर प्रोडक्शन। तो अभी सिंपली हम लोग को इसका टोटल लेना है कि कितना टोटल हम लोग का आता है, दैट इज़ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए। ओके सो 2560 प्लस 1540 प्लस 450 प्लस 533 प्लस 897 प्लस 500 प्लस 565 देन 600 इट इज़ 7645। ओके सो 7645। उसके बाद क्वेश्चन में लास्ट हम लोग को दिया है सेल ऑफ अ स्क्रैप रियलाइज दैट इज 460। तो हम लोग ने जो स्क्रैप सेल किया उससे रियलाइजेशन कितना हो गया हम लोग को 460। इट इज़ लाइक इनकम क्योंकि हम लोग को पैसा आ रहा है, सो हम लोग ये कॉस्ट में से ये माइनस करेंगे दैट इज़ 460। तो हम लोग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ जाएगा दैट इज़ 7185। ओके तो हम लोग का एक पार्ट हो गया दैट इज़ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम लोग ने फाइंड आउट किया। अभी हम लोग को फाइंड आउट करना है असेसेबल वैल्यू अकॉर्डिंग टू द रूल 30 ऑफ सेंट्रल GST एक्ट 2017। तो ये हम लोग को पता है कि हम लोग को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर 110% फाइंड आउट करना है, तो हम लोग को असेसेबल वैल्यू मिल जाता है। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 7185। लेकिन सी क्वेश्चन में जो अमाउंट्स है वो ऐसे 1000 में करके दिया है, तो हम लोग भी इसको फुल अमाउंट में कन्वर्ट करेंगे ओके ताकि वो बेटर हो जाए। सो 7185 ऐसा आंसर आया है, हम लोग को फुल अमाउंट चाहिए तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो ये एक्चुअल अमाउंट क्या है 71,85,000। सो रुपीज़ 71,85,000 का 110% हम लोग को फाइंड आउट करना है। सो मल्टीप्लाइड बाय 110% इट इज़ 79,03,500। ओके तो ये हम लोग का आंसर आ गया दैट इज़ 79,03,500। ओके तो ये हम लोग का आ गया असेसेबल वैल्यू। सो इधर हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 6 कंप्लीट होता है। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 7। ओके वो भी सिमिलर ही है, उसी की तरह ही है वो भी। इलस्ट्रेशन नंबर 7 दैट इज़ अब्यूना इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इज़ एंगेज इन द मैनुफैक्चरिंग ऑफ LED TV सेट्स हैविंग इट्स फैक्ट्रीज एट अ पटना एंड गुजरात। द कंपनी मैनुफैक्चरिंग पिक्चर्स ट्यूब एट अ पटना विच कंज्यूम टू प्रोड्यूस LED TV सेट्स एट अ गुजरात फैक्ट्री। मैंने बोला ना कि एक ही हम लोग का जो प्रोडक्शन होता है वो इंटरनली यूज़ किया जाता है। सो इधर भी वही है कि पटना के फैक्ट्री में जो पिक्चर ट्यूब बनाया जाता है वो LED TV बनाने के लिए, मतलब गुजरात के फैक्ट्री में वो यूज़ किया जाता है, जो इंटरनली यूज़ होता है उसको ही कैप्टिव कंजम्पशन बोला जाता है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द कैप्टिव कंज्यूम पिक्चर ट्यूब्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी फॉर द हाफ ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। ओके तो वो हाफ ईयर है कि फुल ईयर है वो नहीं देखना है हम लोग को, सिंपली हम लोग को वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फाइंड आउट करना है। सी यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर द पर्पज ऑफ कैप्टिव कंजम्पशन इन द टर्म्स ऑफ रूल 30 ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रूल्स 2017 एंड एज पर द कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 दैट इज कैश 4 रिवाइज एंड ऑल्सो असेसेबल वैल्यू फॉर द पर्पज ऑफ पेइंग GST ऑन एप्लीकेबल ट्रांजेक्शन्स। जो क्वेश्चन नंबर 6 किया वही हम लोग को इधर भी करना है, तो सिंपली हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो भी अमाउंट है वो लिखते जाएंगे। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट मटेरियल्स जो क्वेश्चन में हम लोग को दिया है 950। ओके तो डायरेक्ट मटेरियल्स 950, उसके बाद डायरेक्ट वेजेस एंड सैलरीज 357, देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस दैट इज 80, देन फैक्ट्री ओवरहेड्स। ओके तो फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखते वक्त हम लोग ये जो इनडायरेक्ट मटेरियल है वो भी ऐड करके लेंगे। ओके क्योंकि मटेरियल है वो इनडायरेक्ट होने दो या फिर डायरेक्ट होने दो, सिंपली हम लोग को वो यूज़ ही करना है ना प्रोडक्शन में, तो हम लोग उसका इधर यूज़ करेंगे। सो फैक्ट्री ओवरहेड इज़ 320 एंड दिस इनडायरेक्ट मटेरियल इज़ 70, दोनों मिला के हम लोग लेंगे। सो इधर आएगा 320 प्लस 70 टोटल 390। चाहिए तो आप लोग सेपरेट भी लिख सकते हो कि डायरेक्ट एक्सपेंस के बाद हम लोग इनडायरेक्ट मटेरियल देन फैक्ट्री ओवरहेड, ऐसा लिखा तो भी चलेगा।
नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, दैट इज़ 20% रिलेटेड टू द प्रोडक्शन एक्टिविटी। सो जो भी हम लोग का टोटल है उसका सिर्फ 20% प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है। सो 640 मल्टीप्लाइड बाई 20% दैट इज़ 128, इतना ही हम लोग को इधर यूज़ करना है 128। देन नेक्स्ट है क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, दैट इज 100, ओके तो वो 100 दिया है। उसके बाद है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, दैट इज 125, सो 125। देन नेक्स्ट है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन हम लोग को पता है कि सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लोग को यूज़ करना है, मतलब जो भी प्रोडक्शन के रिलेटेड है वही हम लोग यूज़ करेंगे। सो ये जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो इधर यूज़ नहीं होगा क्योंकि वो प्रोडक्शन के रिलेटेड नहीं है, ओके okay? उसके बाद है सेल ऑफ अ स्क्रैप रियलाइज, वो तो हम लोग लास्ट में माइनस करते हैं। तो इधर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग टोटल लेंगे क्योंकि हम लोग का जो भी कॉस्ट है वो कम्प्लीट हुआ है। सो 950 प्लस 357 प्लस 80 प्लस 390 प्लस 128 प्लस 100 प्लस 125, सो इट इज़ 2130। अभी हम लोग माइनस करेंगे सेल ऑफ स्क्रैप, दैट इज़ हम लोग को दिया है 130। जो प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज दिया है उसका कुछ भी यूज़ नहीं है, वो ऐसे ही दिया है। सो 130 हम लोग माइनस करेंगे, हम लोग का अमाउंट आ जाएगा 2000, ओके okay? अभी फाइनली हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, असेसेबल वैल्यू एज पर द रूल 30 ऑफ अ सेंट्रल GST रूल्स, दैट इज़ 2017। तो हम लोग को असेसेबल वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो अमाउंट है उसका 110% निकालते हैं। सो 2000 मल्टीप्लाइड बाय 110%, सो हम लोग का अमाउंट आ जाएगा, सी 2000 मल्टीप्लाइड बाय 110%, इट इज़ 2200 रुपीज़। यह हम लोग का आ गया असेसेबल वैल्यू। सो इधर हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 7 कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक पर अभी नए वीडियोस पोस्ट होने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।